भारत में Amazon और Flipkart सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। दोनों ही वेबसाइट पर कस्टमर को गलत सामान शिप होने की कई खबरें सामने आई हैं। एक तरफ जहां कस्टमर को आईफोन की जगह साबुन की टिकिया मिली, तो वहीं ईंट मिली। इस ऑनलाइन डिलीवरी धोखाधड़ी से लड़ने के लिए वेबसाइट ने वन टाइम पासवर्ड डिलीवरी प्रोसेस की शुरुआत की है। यह ग्राहकों के लिए काफ़ी शानदार है। इस प्रोसेस में ग्राहकों को कहा जाता है कि वे अपने डिलीवरी पैकेज को चेक करने के बाद ही OTP डिलीवरी एजेंट से शेयर करें। एक तरफ जहां कंपनियां डिलीवरी प्रोसेस को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं स्कैमर्स ने इसमें घोटाले का जुगाड़ कर लिया है। आइए जानते हैं इस नए घोटाले के बारे में। नए स्कैमर्स के कई मामले सामने आए हैं। स्कैमर्स डिलीवरी एजेंट बनकर ग्राहकों के दरवाजे पर जाते हैं। डिलीवरी से पहले लोगों से OTP मांगते हैं। ज़्यादातर जागरूक ग्राहक होते हैं और OTP देने से मना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग OTP शेयर कर देते हैं। उसके बाद स्कैमर्स उनके फ़ोन का क्लोन बना लेते हैं और बैंक अकाउंट और डेटा तक पहुंच जाते हैं। कई बार स्कैमर्स टारगेट व्यक्ति के पड़ोसियों से भी संपर्क करते हैं और उनसे उस व्यक्ति को कॉल करने और OTP देने के लिए या पेमेंट करने के लिए कहते हैं। वो व्यक्ति उस सिचुएशन में पड़ोसी को परेशान नहीं करना चाहता और OTP दे देता है। कभी भी OTP किसी से शेयर ना करें और शक है तो तुरंत कस्टमर केयर पर कॉल करें। अगर कोई डिलीवरी बॉय पिन मांग रहा है तो उस व्यक्ति की पहचान वेरीफाई करें। कंपनियां अक्सर सामान डिलीवरी होने से पहले डिटेल्स भेजती हैं। मैसेज करती हैं। पार्सल खोलने से पहले कभी भी पैसा न दे। कोई लिंक भेजे तो उस पर क्लिक न करें। अगर आपको कोई संदिग्ध डिलीवरी मिलती है तो उसे स्वीकार न करें।